आजकल गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए अपन आए समंदर में नहाने के लिए। चलो अपन फटाफट चलते समंदर में, आज इतना पानी में नहाकर मजा ही आ जाएगा। ऑलराइट अपन आ गए, कम ऑन चलो और भी अंदर चलते हैं अपन। भाई साहब समंदर का पानी क्या ही ठंडा है। खैर बहुत दिनों के बाद अपन समंदर में नहा रहे, चलो अपन इधर ही कुछ देर वेट करते हैं। अरे भाई साहब कहां से शार्क आकर मेरे को पकड़ लिया है, इतने सारे लोग नहा रहे लेकिन इस शार्क ने किसी को नहीं पकड़ा, मुझे ही पकड़ लिया है। अपन अच्छा खासा नहा रहे थे लेकिन ये क्या हो रहा है, इस शार्क ने मुझे पकड़ के रखा है पर मुझे दर्द नहीं हो रहा और इस शार्क मुझे खा भी नहीं रहा है, ये चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है शार्क मेरे को पकड़ कर कहीं पर लेके जाना चाहता है, देखते हैं कहां पर जा रहा है। इस शार्क अपन को काफी अजीब सी एक जगह पर लेके आ गया है, ऐसी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखा। अपने ऊपर देख रहे हो पानी है लेकिन इधर कुछ भी नहीं है और अपन समंदर के अंदर चारों तरफ देख सकते हैं। अरे यार चल क्या रहा है, ऐसी अजीब जगह मैंने आज तक नहीं देखा, पता नहीं शार्क अपन से चाहता क्या है। मिस्टर फ्रैंकलिन आपको हमारी हेल्प करना होगा, एक मगरमच्छ जैसा मॉन्स्टर हमारे सारे शार्क को मार कर खा रहा है, उसको मारने में आपको हमारी हेल्प करना होगा। ओके इसीलिए शार्क ने मेरे को पकड़ कर लाए, अपन को इसकी हेल्प करना होगा। लेकिन अपन इसकी कैसे हेल्प करे, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, तो फिर मैं मगरमच्छ जैसे मॉन्स्टर को हराऊंगा कैसे। मिस्टर फ्रैंकलिन अब उस चीज का टेंशन ना लीजिए, हमारे शार्क का एक सूट ले लीजिए, फिर उस सूट को आप एलिमेंटल फॉर्म में अनलॉक कीजिए। एक बार हमारे शार्क का सारे एलिमेंटल फॉर्म अनलॉक हो गया फिर आप उस मगरमच्छ को इजीली हरा सकते हैं। अपने साथ चल क्या रहा है पता नहीं, अपन को शार्क बनने का मौका भी मिलेगा, ऊपर से अपन शार्क के एलिमेंटल फॉर्म को भी अनलॉक कर सकते हैं। चलो ठीक है अपन इनकी हेल्प भी कर देंगे, वैसे शार्क तो खतरनाक होता है लेकिन अगर सारे शार्क मर जाएंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो अपन को इनकी हेल्प करना ही होगा। नीचे मुझे एक सूट भी दिखाई दे रहा है, चलो अपन चलते पानी में फटाफट। ऑल राइट अभी अपन भी एक शार्क बन गए और इस शार्क को सूट को पहनते ही अपन शार्क की तरह चल भी सकते है, मतलब पानी के अंदर अपन शार्क की तरह तैर रहे। ओके तो काफी खतरनाक वाली पावर है, लेकिन ये क्या हो रहा है, शार्क के सूट को पहनते ही मुझे पता भी लग रहा है शार्क के सारे एलिमेंटल फॉर्म है कहाँ पर, दो तो पानी के अंदर ही है लेकिन बाकी सारे है पानी के बाहर। खैर फायर एलिमेंटल पावर अपने सबसे पास है, चलो अपन उधर ही चलते हैं, अपन को सबसे पहले फायर वाली पावर मिल जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा पानी के अंदर फायर वाली पावर क्या कर रहा है, वो तो अपन को चल के ही पता चलेगा, तो चलो अपन चलते हैं। इस तरफ आते ही मुझे काफी अजीब सी साउंड सुनाई दे रहा है, चलो अपन और थोड़ा सा आगे चलते हैं। और भाई इधर चल क्या रहा है, ये तो एक अंडर वाटर वोल्केनो है, अपन एक अंडर वाटर वोल्केनो के पास आ गए और इधर देख रहे हो सारे सारे फायर एलिमेंटल वाले डॉल्फिन है, ये लोग इस वोल्केनो के पास ही रहते हैं, इनकी स्किन तो बिल्कुल आग से बना हुआ है। खैर जो भी हो अपन को बस एक को ही मानना है, एक को मानने से अपने पास आ जाएगा फायर एलिमेंटल वाली पावर। चलो अपन एक को पकड़ते हैं, कम ऑन आजा। और भाई ये क्या हो रहा है, इनसे तो काफी तेज आग निकल रहा है। अबे छोड़ो 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 इसको, मेरे मुंह जला दिया बिल्कुल। अपन ने किसी तरह उसको छोड़ दिया है, उसको मुंह में लेते ही अपने मुंह पूरी तरह जल गया है। भाई साहब इनके पास क्या ही खतरनाक वाला पावर है आग छोड़ने का। खैर जो भी हो अभी तो इनको हरा ही नहीं सकता, इनको हराने के लिए अपन को सबसे पहले वाटर एलिमेंटल वाली पावर को लेना होगा। चलो वाटर एलिमेंटल वाली पावर भी पानी के अंदर ही है लेकिन वो इधर नहीं है, काफी दूर है, तो अपन को सबसे पहले उधर चलना होगा। लेट्स गो। अपन आ चुके हैं वाटर एलिमेंटल मछली को मारने के लिए, पता नहीं वाटर एलिमेंटल वाला कौन सी मछली होगा। खैर जो भी हो उसकी लोकेशन मुझे इधर ही पता चल रहा है, देखते हो है कहाँ पर, इसे नदी में कहीं पर होना चाहिए। चलो अपन और भी अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर है वो। सामने मुझे जानवर दिखाई दे रहा है लेकिन वाटर एलिमेंटल वाला मछली। ओके सामने मुझे कुछ दिख रहा है, अरे यहाँ सच में ये तो वाटर एलिमेंटल वाला हेमरिट सार्क है, अरे तो आकर मेरे को भी पकड़ लिया है, इसको भी पता लग गया मैं इसको मारने के लिए आया हूँ। अबे क्या ही मार रहा है मुझे, तेरी ऐसी की तैसी। अबे तो कितना भी मान ले आज तो मैं इसको मार के जाऊंगा। और गाइस इस मछली को हरने के लिए आप लोगों की लाइक की जरूरत है, तो जल्दी से लाइक करो एंड चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब भी कर लो, और तब तक अपन इसको हराते हैं। इसकी ऐसी की तैसी, तो मुझे मार रहे हैं हमारे सर के बच्चे, मेरे को हराना इम्पॉसिबल है। अरे तो अभी तक जिंदा है, मरता क्यों नहीं तू। लेकिन अभी अपन इसकी खेल खत्म करेंगे, कम ऑन इसको अपन को पूरी तरह खाना पड़ेगा, तब जब इसकी पावर मेरे पास आएगा। ऑलराइट ऊपर तो बिल्कुल खून ही खून हो गया है, कम ऑन। फाइनली अपन इस वाटर एलिमेंटल शार्क को खा लिया है, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। अरे एक से रुक जाओ, अपने साथ कुछ हो ही गया है। ऑलराइट अभी अपन भी बन गए वाटर एलिमेंटल शार्क, अपने स्किन की कलर देख रहे हो बिल्कुल चेंज हो चुका है, अभी मेरे पास वाटर वाली पावर आ चुका है, मतलब मुझे लावा से कुछ होगा नहीं। तो चलो अपन फटाफट चलते लावा वाली डॉल्फिन के पास, उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर से अपन आ चुके वोल्केनो के पास, लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ, ये सारे मछली वोल्केनो के ऊपर ही है, मतलब ये सारे डॉल्फिन शायद वोल्केनो से गर्मी लेकर खुद को गर्म रखता है। अगर मैंने इनको वोल्केनो से दूर कर दिया तो फिर शायद अपन इनको इजीली हरा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। वैसे भी अभी मेरे पास वाटर वाली पावर है इसलिए मेरे को ज्यादा कुछ डैमेज तो होना नहीं चाहिए। चलो मैं एक कोई पकड़ता हूँ, कम ऑन आजा। एक को मैंने पकड़ लिया, देख रहे हो सच में इसको मैंने पकड़ा, दू लेके आ गया। तेरी तो अभी छूट कैसे गया तू, तेरी ऐसे की तैसी, ये ऐसे लावा से बनाया मैंने, इनको जल्दी से खा भी नहीं पा रहा। अरे चल क्या रहा है, अरे भाई ये क्या है, तीन दिन वैसे आग वाली डॉल्फिन आ चुका है मेरे को मारने के लिए, तुम सबकी ऐसे की तैसी।
आजा मेरे पीछे पीछे, इनको मुझे भौलकन से दूर लेके जाना होगा। जितना दूर ये लोग भौलकन से हो जाएगा इनकी पावर भी उतना ही घट जाएगा। कमान कमान आजा मेरे पीछे पीछे। तीनों के तीनों आ चुका है, तेरी ऐसी की तैसी। एक को तो मैं खा नहीं पाया, लेकिन सबसे पहले मैं इनको एक एक करके मार दूंगा, फिर मैं इनको खाऊंगा। कमान चलो, एक को हरा दिया। अरे यार, एक को हरने से एक और मेरे को पकड़ के ऊपर लेके आ गया। देख रहे हो मेरे को कितना ऊपर फेंक दिया इसने। तेरी ऐसी की तैसी, तू मुझे मारेगा, मेरे साथ पंगा ले रहा है। कमान ऑल राइट, एक और साथ मैंने मार दिया है। अरे हाँ सच में, वो तो मर गया, इसको मैं मार के बिल्कुल खा जाऊंगा। अबे छूट कैसे गया तू? अरे ये मैंने छोटे मछली को क्यों पकड़ लिया, इनको मुझे खाना है। कमान कमान ऑल राइट। और भैया अपने साथ क्या हो गया? अपन उस डॉल्फिन को खाया था, फिर अपन ऐसे इंसान की तरह बन गए और अपनी हेड हेमरेज जैसा हो गया है। चलो देखते हैं अपने पास कोई पावर है कि नहीं। वैसे मेरी बॉडी में लावा तो है लेकिन आग नहीं जल रहा। ओके अपन जैसे ही पानी के थोड़ा सा बाहर आए, अभी मेरे बॉडी में आग लग गया है। अरे यार तो काफी खतरनाक वाला पावर है। चलो अपन चल देते ऐसे। अरे अपन तो आग की मदद से उड़ भी सकते हैं, देख रहे हो अपनी पावर अभी क्या ही खतरनाक बन गया है। ये वाली एलिमेंटल पावर तो सबसे ज्यादा औसम है। नेक्स्ट अपन ढूंढने वाले आर्थ एलिमेंटल को, जो कि मिलिट्री बेस में। चलो अपन फटाफट चलते उधर, उनको तो मैं चुटके में धो दूंगा। अपन उड़कर आ चुके मिलिट्री बेस में, अभी मुझे ढूंढना होगा वाली स्टोन है कहाँ पर, क्योंकि आग वाली जो एलिमेंटल पावर है वो एक स्टोन के अंदर है। लेकिन ये आर्मी वाले मेरे साथ पंगा ले रहा है। चलो मैं भी मेरा थोड़ा बहुत पावर को टेस्ट कर लेता हूँ। कमान आ जा तू, मेरे को मारेगा। और भैया बताओ क्या खतरनाक वाले कैरेक्टर भी कर सकते इस पावर के साथ, क्या तगड़ी वाली पावर है। और ये लोग मेरे को रोकने के लिए आए हैं। कमान लेट्स गो। इतना तो अपन को पता है वाली स्टोन मिलिट्री बेस में ही है, लेकिन है कहाँ पर ये मुझे ढूंढना पड़ेगा। अरे यार कहाँ पर हो सकता है? चलो इस वाले वारस में मैं देख लेता हूँ। नहीं इधर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे लोग टैंक लेकर आ गया है। टैंक के बच्चे तेरी ऐसे की तैसे, तू मुझे मार रहा है। कमान ले। और भैया कैसे अटक था, अपने मुंह से बिल्कुल आग निकल रहा है, देख रहे हो। और यार अपने पूरी की पूरी टैंक को जला के खाक कर दिया है। सच में अपनी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है। कमान कमान ए ले टैंक के बच्चे, टैंक को अपने लात मार मार के कितने ऊपर फेंक दिए, देख रहे हो। इन सबको तो मैं यूं मार के उड़ा दूंगा। लेकिन वो स्टोन है कहाँ पर? अबे स्टोन के बच्चे कहीं तो मिल जा। और भैया कैसी पावर है, अपने फायर टोर्नेडो बना दिया है, देख रहे हो क्या चल रहा है। पूरी आग के टोर्नेडो में जो भी आ रहा है सब कुछ जल के खाक हो रहा है। ओके एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को उधर कुछ दिखा है। अबे गाड़ी तो बच गया, खैर जो भी हो इधर ही अपन का कुछ मिला है। अरे ये रहा आर्थ एलिमेंटल स्टोन, इनकी ऐसी की तैसी। अबे रुक जा, स्टोन को लेने तो दे। चलो इनको मैंने उड़ा दिया है, अभी अपन फटाफट चल के स्टोन को ले लेते हैं। लेट्स गो। आर्थ एलिमेंटल स्टोन को लेते ही अपनी बॉडी भी चेंज हो चुका है, अपनी बॉडी तो बिल्कुल मिट्टी का बन गया है। अबे यार ये क्या चल रहा है। अरे भाई अपन तो मिट्टी का रोड बना के भी चल सकते हैं, देख रहे हो अपने पीछे कैसे मिट्टी का रोड बन गया। अरे इन सार के एलिमेंटल फॉर्म में काफी खतरनाक वाली पावर्स हैं। खैर जो भी हो, आर्मी वालों को मारकर और कोई फायदा नहीं, अपन फटाफट निकल लेते हैं। और नेक्स्ट वाली जो एलिमेंटल पावर है वो है थंडर का। चलो अपन फटाफट चलते हैं उस वाली लोकेशन पर। अब पता नहीं थंडर वाली पावर लेने के लिए मुझे किसके साथ फाइट करना होगा, वो तो अपन को उधर चल के ही पता चलेगा। लेट्स गो। अपन आ चुके थंडर स्टोन को लेने के लिए, लेकिन इधर तो अजब ही चीज बना हुआ है। इधर तो एक स्टान रैम बना हुआ है और इधर मुझे नीचे कोई दिखाई दे रहा है, शायद इसके पास हो सकता है थंडर स्टोन। चलो अपन आ गए इधर। अरे भाई सब इधर तो थॉर खड़ा है, थंडर की गॉड। ये तो मुझे ऐसे ही थंडर एलिमेंटल स्टोन को देने वाला है नहीं, फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ। हेलो थॉर, मुझे थंडर एलिमेंटल स्टोन चाहिए। अरे फ्रैंकलिन तू है, पता नहीं तेरे साथ क्या चल रहा है, तू अभी सार्क बनकर घूम रहा है। खैर जो भी हो, मैं तुझे ऐसे ही थंडर एलिमेंटल स्टोन को तो दे नहीं सकता। अगर तुझे वो स्टोन चाहिए तो फिर तुझे मेरे बनाए हुआ स्टैंड चैलेंज को कंप्लीट करना होगा। मैंने इसको बहुत ही मेहनत से बनाया है, अगर तू इस चैलेंज को कंप्लीट करता है इस चैलेंज के आखिर में तुझे मिल जाएगा ओबली थंडर एलिमेंटल स्टोन। मुझे पता ही था थोर ऐसा तो स्टोन को देने वाला है नहीं। चलो अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, अपन को इसके बना हुआ रेस को कंप्लीट करना ही होगा। अपन फटाफट चल के बैटमैन की गाड़ी को ले लेते हैं, क्योंकि ये वाला गाड़ी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लेट्स गो, अपन बैठते फटाफट। और अपन ने रेस को स्टार्ट भी कर दिया, अभी देखते हैं अपन कितनी देर में इस रेस को कंप्लीट कर पाते हैं। पता नहीं थोर ने कैसे कैसे रेस बना होगा, लेकिन इस वाली गाड़ी में एक बूस्टर भी है, देख रहे हो अपने पीछे से कैसे बूस्ट निकल रहा है। पर इस बूस्टर के चक्कर में अपन ठुक गए थे, खैर कोई बात नहीं, इस बूस्टर की मदद से अपन जल्दी से रेस को कंप्लीट कर लेंगे। अरे ये क्या, इधर शायद गाड़ी चढ़ने वाला नहीं है। अरे सच में इधर ठुक गया, चलो मेरे को सीढ़ी से ऊपर चलना होगा। अरे यार बूस्टर वाला गाड़ी को अपन को इधर ही छोड़ना पड़ा, सामने मॉन्स्टर ट्रक, अभी मॉन्स्टर ट्रक से करना होगा। ऑल राइट मॉन्स्टर ट्रक ऊपर चल लें, इसको ऊपर से चढ़ाकर इधर लाना होगा शायद। थॉर ने तो काफी खतरनाक वाला रेस बना के रखा है। खैर चलो चलते हैं अपन। इधर क्या, इधर तो स्टंट नहीं है, बस रेस टाइप का कुछ बना हुआ है। अरे यार मेरे को लगा थॉर ने मुश्किल से रेस बना होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा इजी है। अरे इस तरह की रेस को तो मैं आंख बंद करके कर लूंगा। खैर आप क्या ही करें, इनको ठुकते हुए अपन चलते हैं। सामने क्या है पता नहीं। ओके सामने दो बॉल ऊपर नीचे हो रहा है, बस मेरे को उनमें ठुकना नहीं है, अगर मैं ठुक गया मेरे गाड़ी के बाट लग जाएगा। ऑल राइट अपन किसी तरह निकल गए,
देख रहे अपने क्या ही खतरनाक वाला जंप लगाया है। अगर वो थोड़ा सा भी लेट होता वो बॉल मेरे को कुचल देता। चलो अपन आगे इधर। अब इधर क्या है, इधर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओके अभी बाइक से करना होगा। चलो ठीक है, मॉन्स्टर ट्रक को छोड़ दिया अपन और अपने बाइक से रेस को स्टार्ट कर दिया। बाइक से शायद खतरनाक होगा, पता नहीं। इधर बॉक्सेस रखा हुआ है, बॉक्स के ऊपर बॉल भी है, लेकिन इन बॉल से अपन गिरने वाला तो है नहीं। फिर भी मेरे को धीरे से जाना होगा, अगर मैं गिर गया मेरा पूरी मेहनत बेकार हो जाएगा। चलो अपन आगे छोटी सी प्लेन के ऊपर। ओके अभी सामने जंप लगाना है, अपन इधर भी आ गए। इधर भी काफी ऊंची वाली जंप लगाना होगा शायद, पता नहीं, रैंप टाइप का बना हुआ है। अरे यहाँ सच में ऊंची वाली जंप मुझे सामने दिखाई दे रहा है और इधर फुटबॉल से रास्ता को ब्लॉक करके रखा है थोर ने। बट कोई बात नहीं, अपने फुल स्पीड में आकर जंप कर दिया है। और इधर तो बहुत सारे ऑयल रखा हुआ था, ऑयल के ऊपर से अपने बाइक लेकर जंप कर दिया है और अपन बहुत दूर आ चुके हैं। सामने इधर ये क्या है, ओके ये तो पानी में चलने वाला एटीवी है, इसको लेकर आखिरी वाला पोर्शन को कम्प्लीट करना होगा। बट कोई बात नहीं, चलो अपन फटाफट चलते हैं। इस थंडर एलिमेंटल स्टोन के लिए अपन को पूरी की पूरी स्टैंडर्ड्स को कम्प्लीट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं थॉर को हरा नहीं सकता, वो थंडर की गॉड है, वो मेरे को चुटकी में हरा देगा, इसलिए मेरे को उसको बना हुआ स्टैंडर्ड्स को कम्प्लीट करना पड़ रहा है। खैर चलो अपन को फिनिश लाइन दिखाई दे रहा है, लेट्स गो। अपन आ गए इधर, अपन ने स्टैंड चैलेंज को कम्प्लीट कर लिया है और इधर थंडर एलिमेंटल स्टोन भी रखा हुआ है, देख रहे हो। अपन अभी फटाफट चल के इसको ले लेते हैं। ऑलराइट, थंडर एलिमेंटल स्टोन को लेते ही अपनी बॉडी बन चुके थंडर का। अब भी अपन बन चुके थंडर सार्क, लेकिन क्या मेरे पास थंडर की पावर आए, पता नहीं। अपनी बॉडी में तो थोड़ा थोड़ा बिजली चमक रहा है। अरे हाँ सच में अपन उड़ भी सकते हैं, ये तो काफी ऑसम वाली पावर है। अभी बस मेरे को आखिरी वाला जो एलिमेंटल पावर है उसको ढूंढना होगा, लेकिन वाली पावर है सिटी के बाहर। तो चलो अपन फटाफट चलते हैं सिटी के बाहर। आखिरी एलिमेंटल स्टोन के लिए अपन आ चुके इस वाली जगह पर, इसी केव के अंदर है वो वाली स्टोन। चलो अपन चलते फटाफट इस केव के अंदर, लेकिन मुझे इस केव के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे एक सेकंड रुक जाओ, इधर शायद कोई चीज है। ओके तो एक मॉन्स्टर है और इसकी स्किन बिल्कुल डायमंड का बना हुआ है। इसने क्या डायमंड एलिमेंटल पावर को खुद के ऊपर यूज कर लिया? अबे यार इसकी ऐसी की तैसी, अब तो मुझे मारकर इससे पावर लेना होगा। अभी ये शायद सो रहा है और यही मेरे लिए मौका है इसको मारने का। इसको अपन बिजली के एक ही झटके से उड़ा देंगे। कमान एल तू मेरी बिजली की झटका, देख रो मैंने इसको उड़ा दिया एक झटके में, मेरे साथ पंगा ले रहा है। और भाई तो उठ के आ गया, और ये उड़ भी सकता है, इसने तो डायमंड एलिमेंटल पावर को पूरी तरह यूज कर लिया खुद के ऊपर। अरे यार क्या ही मार रहे मुझे, मैं इसके सामने टिक नहीं पा रहा। मेरे पास थंडर की पावर है फिर भी मैं इसको मार नहीं पा रहा, देख रो मुझे कैसे कैसे मार रहा है। अब तो इसका बहुत हो गया, मुझे इसको मारना ही पड़ेगा, नहीं तो यही मुझे मार डालेगा। अबे यार कमॉन एले एले मेरी बिजली वाली मुक्का, देख रो मेरे एक एक मुक्के में बिजली निकल रहा है। और बिजली के झटके से अपने शायद इसको हरा दिया है। अरे नहीं ये तो उठ के आ गया फिर से, अब तो इसको बहुत हो गया। अपने थंडर की पावर से टोर्नेडो भी बना दिया है, टोर्नेडो में फंस चुका है। अरे भाई ये क्या हो गया, अपन एक छोटा सा टोर्नेडो बनाया था लेकिन अपने पावर से इतनी बड़ी टोर्नेडो बन गया है, देख रहे हो। ये तो आसपास के सारी चीजों को खींच रहा है और वो मॉन्स्टर भी टोर्नेडो के अंदर चला गया है। ऑलराइट टोर्नेडो अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अभी टोर्नेडो पूरी तरीके से खत्म हो गया, लेकिन वो डायमंड वाली मॉन्स्टर गया कहां पर? ओके ये रहा इसका बॉडी, तब से मैं इसको ढूंढ रहा था। खैर जो भी हो, इधर ही पड़ा हुआ है डायमंड एलिमेंटल स्टोन। चलो अपन इस स्टोन को ले लेते हैं इस मॉन्स्टर के पास से, इधर ही है। ऑलराइट अपने स्टोन को ले लिया है और इस स्टोन को लेते ही अपने साथ क्या हो गया, अपन तो जायंट डायमंड के साथ बन गए। देख रहे हो अपनी पूरी स्किन बन चुकी है डायमंड का और अपने साइज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। अब भी अपन इजीली उस मगरमच्छ वाली मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। सो चलो अपन फटाफट चलते समंदर के पास, उस मॉन्स्टर को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपन भागते हुए आ चुके बीच के पास और ये वाली मॉन्स्टर भी मेरे को देख कर आ गया है, लेकिन इसकी साइज देख रहे हो, मेरे सामने इसका साइज मच्छर जैसा है। अरे यार अपन ने सार के साथ एलिमेंटल पावर को अनलॉक कर लिया है, जिसकी वजह से अपनी पावर और साइज काफी ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी मगरमच्छ जैसा मॉन्स्टर मेरे को मार जा रहा है। छोटा है लेकिन इसकी पावर कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा मार रहा है, पर मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तेरा बहुत हो गया, तूने मुझे बहुत मार लिया है, अब मेरी बारी है, देख रहा मैं इसको कैसे से मार रहा हूँ। और ये भी मुझे मारा जा रहा है, अबे तेरी तो, कम ऑन ए ले तू मेरी घुसा, अभी मैं इसको पकड़ के फेंक दूंगा, बहुत हो गया तेरा। देख रहा मैंने इसको कैसे उठा के पटका है, अरे भाई तो उठ के फिर से खड़ा हो गया, अबे मर जा यार, कितना मार खाएगा, उठ के मुझे ही मारा जा रहा है, बहुत हो गया तेरा, कम ऑन। ऑलराइट अपन ने फाइनली इसको हरा दिया है, ये तो अभी जमीन के अंदर आधा घुस गया। खैर जो भी हो, अपन ने सार के दुश्मन को मार दिया है, आज से कोई भी सार्क नहीं बनने वाला। सो गाइस आज अपने सार्क के एलिमेंटल फॉर्म को अनलॉक किया है, इसके लुक देख रहे हो क्या ही खतरनाक है। खैर जो भी हो, आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, इन चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अपन और भी ऑसम वाली जीडीएफ की वीडियोस लाएंगे। एंड गाइस आप लोग कमेंट में जरूर लिखो नेक्स्ट हम लोग कौन से सुपर हीरो या फिर कौन से एनिमल की एलिमेंटल फॉर्म को अनलॉक करें। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।